जय दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश। आज हम लोग त्रिभुज का जो मेंशन पढ़े थे, आज उसके आगे का पढ़ेंगे, उसके आगे पूरा डिटेल पढ़ेंगे, आगे कैसे क्या होता है इसमें। वो एक क्वेश्चन और आप लोग का इसमें रह गया था, वो मैं आज आप लोग को पढ़ा देता हूँ यहाँ से। एक क्वेश्चन और रह गया था जो आपको पढ़ाना चाहता हूं मैं दोस्त। देखिए, एक क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाता है, ये दो लाइन दे दिया आप, फिर यहां से इसको दे दिया, ठीक। उसके बाद पूछ लेता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितना है, टोटल ट्रायंगल इसमें कितना बन रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आपको मैंने पहले सिखाया था, बगैर फॉर्मूले के पहली टाइम ऐसा आपको मिलेगा कि जो बगैर फॉर्मूले को बताया जा रहा है। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हैं टोटल नंबर ऑफ, कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। अब यहां से जो 6, 5, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 2, 20, 1, 21 एक बार और जोड़ लीजिए, 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20, 1, 21। अब यहां पे देखिए, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, आप लोग यहां पकड़ लिए तो सब पकड़ लिए। कितने हैं इसमें, 1 और ये 2, टोटल मिलके कितना हुआ यहाँ, 3। अब यहां से एक तो छूट गया, अब यहां से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, 5, 4, 9, 9 और 3, 12, 2, 14, 1, 15, टोटल कितना हो गया 15, 15, 3, 18 और 21 जोड़ लीजिए, 9, 3, टोटल ट्रायंगल कितना हो गया इसमें। तो एक तो ये हो गया, दूसरा हम पढ़ाएंगे आपको। अब त्रिभुज से लमसम जो क्वेश्चन आते हैं, त्रिभुज के खत्म हो गए, अब चतुर्भुज की बारी है, चतुर्भुज में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो चतुर्भुज के लिए हम लोग यहां क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर कर लीजिए, ये हो गई बराबर, ठीक है दोस्त। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, एक ट्रायंगल इधर से गिरा देगा और एक इधर से, और पूछ लेगा कि इसमें त्रिभुज कितने बन रहे हैं। तो यहां से काउंट कर लीजिए, चाहे नीचे से करिए, चाहे यहां से कर लीजिए। चलिए, 1, 2, 3 और 4, आखिरी जो नंबर आएगा 4, उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 4 2 ना 8, सिंपल हो गया, कितना आसान है। अगला इसी में चलते हैं, क्या करता है, ऊपर से लाइन को नीचे की ओर गिरा देता है, बोलता है अब बताओ इसमें कितना। अरे भैया बेवकूफ मत बनाओ, बता देंगे अभी, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 गुणा कितना बताया था 2 बराबर 12। इसी में एक और क्वेश्चन पूछेगा, यहीं पे आ जाइए भैया, इसको पूछने दीजिए, घुमा घुमा के हम लोग लगा के बताएंगे। अब यहां से सीधा गिरा देगा, अब बोलेगा अब बताओ इसमें कितने हैं, सिंपल वही स्टार्ट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, टोटल कितने हैं, 8 गुणे 2 बराबर 16। हमको उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा, पूरा ये समझ में आ गया होगा कि हाँ ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो आप लोग त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों का निकाल लेंगे। तो इसी में एक और क्वेश्चन आते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल देता है नीचे की ओर, इसको तो पहले बना दिया त्रिभुज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा अटपटा क्वेश्चन है। अब यहीं से एक तीर ऊपर लेके चला जाता है, ऐसा इसमें से एक क्वेश्चन निकाल देगा और पूछेगा कि बताओ इसमें टोटल त्रिभुज कितने। अच्छा भैया तो ये 1 और ये 2 टोटल 3 हो गया, ये त्रिभुज होगा, मैं इसको ध्यान दियो आप, ये तो त्रिभुज हो गया ना, ऊपर वाला हिस्सा, इसमें पहला 1, 2 और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 3। अब नीचे वाले की बारी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, तो 8 2 ना
16 + 3 जो ये आया त्रिभुज वाला 19 आंसर आ गया। आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि कोई भटका नहीं पाएगा, ठीक है, एकदम सरल तरीका, एकदम आसान तरीका। अगला क्वेश्चन इसी में छोटा सा बनाते हैं, तब तो मजा आएगा। ऐसे करेगा ऐसे, यहां से लाइन गिरा देगा, ये लो ये लो ये लो ये, एक ऐसे पूछ लेता है। तो इसमें भी वैसे ही है, एक दो सब में ऐसे ही है, तो टोटल 3, ऐसे में भी 1 2 3 1 2 3 1 2 और ये 3, तो ये जोड़ लीजिए कितने हैं। अगर ऐसे लगेंगे जोड़ने तो टाइम लगेगा, तो सीधा एक ही बात, एक का कितना आया 3, टोटल है कितने 4, तो ये टोटल हो गया 12, कितना हुआ 4 3 12। पूछेंगे कैसे, ये देखिए वो यूं त्रिभुज है, एगो यूहो त्रिभुज है, एगो यूहो त्रिभुज है, और एक यहां भी त्रिभुज है, तो कितना हुआ 1 2 3 और ये 4, 4 3 12, एक में कितना है 3, सब में बराबर है ना, तो 4 3 12। अब इसकी बारी 1 2 3 4, तो यहां कर लीजिए 4 बोला था, चतुर्भुज में क्या करना है, जो ये चतुर्भुज बन रहा है इसका क्या करना है, टोटल आप लास्ट नंबर का गुणा कर देना है, 4 2 8 जोड़ लीजिए, 8 2 10 और ये 2 टोटल 20। ये तो आसान समझ गया, इसी में एक ऐसे खींच देगा नॉर्मल। अब पूछ लेगा कितना, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 2 16, अब यह 16 हो जाएगा, सिंपल है एकदम, आपको कोई नहीं फंसाएगा। एक और काम कर सकता है, लास्ट बताता हूं इसमें का, एक और काम कर सकता है, एक एक पॉइंट हम आपको बताते चलेंगे, फंसाता है क्यों, और कुछ नहीं करेगा, घुमा के फंसा देगा। ये वो क्या करेगा, इसमें बना देगा, इसमें मार्ग गजिन दे देगा, यहां से त्रिभुज निकाल के इसमें भी वैसे ही लाइनिंग गिरा देगा, ठीक है। अब पूछ लेगा कि बताओ कितना है, तो ये वो पहला त्रिभुज, त्रिभुज को बता दिया 1 2 3 4 ये 5, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 9 12 2 14 1 15, फिर जोड़ लीजिए 5 4 9 3 12 2 14 1 15, एक का हो गया, इसका निकाल लीजिए 1 2 3 4 6 7 8, 8 2 9 16 15, इसमें काउंट कर लीजिए त्रिभुज वाला, तो 1 और ये 3 टोटल आंसर आप लोग देख लीजिए। अब एक और क्वेश्चन, सबसे कठिन और सबसे खतरनाक क्वेश्चन, इसको आप लगा लेंगे तो समझ लीजिएगा कि आपका सही है। ऑप्शन आपको हम दे देते हैं, पहला ऑप्शन है 27, दूसरा है 30 और तीसरा रहेगा यहाँ 29 और चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा 32। आपको बताना है कि ये जो भुजा है इसमें टोटल कितने हैं, ये जो भुजा है इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए या वीडियो रोक लीजिए, उसके बाद आप लगा के देख लीजिएगा, और नहीं तो मेरा वीडियो समझा देता हूं वो समझ लीजिएगा। पहला चीज ये देखिए, यहां से लेके यहां से ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज, तो 4 भुजा है, 1 2 3 और ये 4, तो 4 × 2 = 8, ध्यान दीजिए एक तरफ से चलते हैं। आइए देखिए ये त्रिभुज बन रहा है ना, तो 1 और ये 2 तो कितना हो जाएगा टोटल 3। अब देखिए ये तो बन गवा, हाँ अब इधर सेम आ जाइए, ये त्रिभुज है 1 और 2 = 3, अब ये आ जाइए फिर चतुर्भुज है, बार बार मत जोड़िएगा, इधर जोड़े हुए हैं तो ऐसे ही जोड़ लीजिएगा, 4 2 9 8।
अब ये देखिए, ये वाला ट्रायंगल जरा देखिएगा मेरे दोस्त, ये एक और ये दो, तो ये फिर से आ गया तीन, यानी तीन त्रिभुज है दो चतुर्भुज है। लेकिन हमारे दोस्त अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसमें टोटल जोड़िए कितना हुआ, ये आठ दूना सोलह, सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस, कितना होगा पच्चीस। आई वो ये नहीं आ रहा है, यहां देखिएगा एक ये, आप फिर यहां से देख लीजिए जरा ई वाला दो, आ एक फिर यहां से देख लीजिए तो टोटल लंबा वाला तीन। तो आप ई देख लीजिए, यहां अट्ठाईस हो गए सॉरी, तो आप देख लीजिए फिर से एक बार और देख लीजिए इसको, सॉरी अट्ठाईस नहीं उन्तीस हो गए, एक तो ये लंबा वाला, एक यहां से ये दो, और एक ये तीन, और एक ये चार, तो टोटल चार जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा उन्तीस, यानी ये वाला क्वेश्चन सही है। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, ये चतुर्भुज है, यहां से ये चतुर्भुज हो गया और ये हो गया त्रिभुज, सेम इधर भी ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज, आइए त्रिभुज हो जाएगा, इसी में एक सीधा आ जाइए यहां से यहां और यहां से यहां, तो ये अलग पॉइंट हो जाएगा, और यहां से यहां ये अलग पॉइंट हो जाएगा, फिर यहां से यहां आ जाइए ये चले जाइए ये अलग हो गया ठीक, और एक यहां से यहां आ जाइए और यहां से ये अलग हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, टोटल कितना हो गया उन्तीस, एक बार लगा के देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को सबको ये आ जाएगा, ये क्लियर कर लीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं काट सकता। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा और आप आगे कभी इसको भूलेंगे नहीं, बगैर फार्मूला का था, बस थोड़ा माइंड लगाना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।